प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्लोगन दिया, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, जिसको लेकर अक्सर मंचों से उन्हें ये कहते हुए सुना जाता है कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर शक्ति के प्रहार से किया जा रहा है, जिससे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। यही नहीं, प्रदेश की योगी सरकार सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने के दावे किए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचारियों पर शक्ति से पेश आने की बात भी कही थी। और साथ ही अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंचों से ये कहते हुए भी और दावा करते हुए भी देखा और सुना गया कि उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों के लिए काफी सख्त है और किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के दावों में कितना दम है, आप खुद ही देख लें। दोस्तों, मैं इस समय जनपद सिद्धार्थ नगर के बांसी विकासखंड के एक बड़े ही ऐतिहासिक गांव में हूँ, जो इतिहास में दर्ज है और बताया जाता है उसका प्रमाण भी है। यहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है। यहाँ बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है चंद्रशेखर आजाद आए हुए थे और तमाम यहाँ के गांव के लोग भी उस संग्राम में भाग लिए थे, जिनका एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। उस इतिहास पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये गांव अभी पिछले 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला फिलहाल सरकार ने इसको चिन्हित किया और ऐसे गांवों को प्रायोरिटी दी और चौरा चौरी और तेजगढ़ को लगभग जोड़ते हुए एक अमृत महोत्सव के रूप में बड़ा उत्सव मनाया गया इस गांव में। और सरकार के भी नजर में यह गांव है और खासकर जिला प्रशासन के तो प्रायोरिटी में है उस तौर पर देखा जाए। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको इसलिए यहाँ लाया हूँ, आपको मैं कुछ ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सरकार जो है प्रायोरिटी में है, इस गांव को प्रशासन के पटल पर है, बिल्कुल सबकी नजरें इस पर है, क्योंकि गाय बेगाए उसी कार्यक्रम को बताया गया कि अगले 3 साल तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा और अक्सर यहाँ कार्यक्रम होता रहता है ये शहीद स्मारक के स्थल पर। और उसी का ये पंचायत भवन आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पंचायत भवन ग्राम पंचायत तेजगढ़। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर कि जैसे सरकार, खासकर वर्तमान सरकार योगी सरकार जब सत्ता में आई तो उनका एक सबसे जो मुख्य एजेंडा रहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन, यानी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार को सह नहीं सकते, ऐसा सरकार का कहना था और ऐसा सरकार का दावा है। प्रेजेंट में भी सरकार दावे करती है, हालांकि कुछ मामले देखने को मिले, लेकिन मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे सिस्टम सरकार की आंखों में धूल जाती, कैसे सिस्टम सरकार की है। सरकार चाहे कितनी भी शक्ति अपना ले, कितने भी कड़े तेवर दिखा दे, कितने भी अवेयरनेस दिखा दे, कितने भी लोगों से कनेक्ट रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि सिस्टम भारी पड़ता है और सरकार की आंखों में धूल झोंक देता है। यही हाल इस गांव का है, खासकर पूरे जनपद का है, लेकिन इस गांव को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि ये गांव सरकार की प्रायोरिटी में है। ये कोई मामूली गांव नहीं है, इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, ऐतिहासिक गांव है। और जब ये पूरी तरह करप्शन के गिरफ्त में है तो बाकी गांव जो सरकार की नजरों से ओझल रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे सिस्टम सरकार की आंखों में धूल जाती, कैसे सिस्टम सरकार की है। सरकार चाहे कितनी भी शक्ति अपना ले, कितने भी कड़े तेवर दिखा दे, कितने भी अवेयरनेस दिखा दे, कितने भी लोगों से कनेक्ट रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि सिस्टम भारी पड़ता है और सरकार की आंखों में धूल झोंक देता है। यही हाल इस गांव का है, खासकर पूरे जनपद का है, लेकिन इस गांव को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि ये गांव सरकार की प्रायोरिटी में है। ये कोई मामूली गांव नहीं है, इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, ऐतिहासिक गांव है। और जब ये पूरी तरह करप्शन के गिरफ्त में है तो बाकी गांव जो सरकार की नजरों से ओझल रहते हैं, जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं देता है, मैं अभी इस गांव में देखा, मैंने घूमा इस गांव का, मैंने रिपोर्ट कार्ड देखा जो ग्राम पंचायत से जो तमाम योजनाएं संचालित हुई, तमाम फंड खारिज हुआ, उसमें कई चीजें दिखी। इस नए पंचवर्षीय जो अभी शुरू हुआ है 2021 में, इसमें तमाम पैसे खारिज कर लिए गए। कुछ नाली अभी मैं देखी, आपने विजुअल में देखा कि नाली जो पहले बना हुआ था, उसका स्वरूप था, आज भी सामने दिखाई पड़ रहा है, उस पर थोड़ा सा मरम्मत का काम दिखाया गया, लेकिन
जो बाउचर यानी जो फंड खारिज किया ग्राम पंचायत में जो बताया गया वो ये बताया गया कि वो निर्माण काम। ऐसे ही मैंने आपको कई हैंडपंप दिखाए, हैंडपंप मरम्मत का यहाँ जो है काम हुआ है योजना के तहत जो है तमाम हैंडपंप। लेकिन आपने देखा एक मंदिर के सामने हैंडपंप, एक अन हैंडपंप, एक जो है अभी एक रोजगार सेवक जो रोजगार सेवक उनके घर के सामने जाकर भी लोग इकट्ठा होते हैं, वो हैंडपंप भी एज इट इज पड़ा हुआ है और लोगों ने ग्रामीणों ने बताया कि महीनों से खराब है। अब जब हैंडपंप जो निहायत जरूरी है, जो आम रोड है जहां मैक्सिमम लोगों की रीच है, वैसे हैंडपंप अगर खराब पड़े हैं तो मरम्मत कौन सा हैंडपंप हुआ? क्या अपने घर में लोगों ने मरम्मत कर लिया या हवा हवाई मरम्मत कर लिया? तो आप अगर इन सब चीजों को देखेंगे, आप इस पूरे गांव को एक बार फिलहाल ऐतिहासिक गांव है, आप लोगों को भी घूमना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जी का जो है यहाँ स्मारक बना हुआ है, तो आपको भी एक बार इस गांव को तो जरूर घूमना चाहिए क्योंकि ये किसी तीर्थ से कम नहीं है। लेकिन इस गांव को जो आप देखेंगे तो गांव में भ्रष्टाचार की कहानी, तमाम योजनाएं, तमाम विकास की योजनाएं जो क्रियान्वित है या जो हो चुकी है वो स्वयं बयां कर। अब मैं यहाँ जो गांव के पूर्व प्रधान थे वो आए हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों। अब मैं यहाँ के जो पूर्व प्रधान थे जिन्होंने पिछले 5 साल यहाँ विकास कार्य को अंजाम दिया, मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको मैं दिखा दूंगी, पंचायत भवन है, बताया जाता है कि पंचायत भवन पूर्व में काफी पहले बना था, 95 में पंचायत भवन बना था। क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट के प्रायोरिटी में है कि जो गांव के जो सारे काम है वो गांव में ही हो, विकास खंडों का चक्कर लोगों को ना लगाना पड़े और गांव में निष्पक्ष पारदर्शी तौर पर विकास कार्य को अंजाम दिया जा सके, जिसके लिए सरकार जो है तब हर गांव में ग्राम पंचायत जो पंचायत भवन बने हुए हैं या जहां नहीं बने वहां बनवाया जा रहा है उसको एक्टिव करने जा रही है, एक्टिवेट करने जा रही है कि जो पूरा मशीनरी है गांव ग्राम पंचायत का वो यहां बैठेगा और यहीं से पूरे गांव की मॉनिटरिंग करेगा, विकास कार्यों को यहीं से क्रियान्वयन किया जाएगा। अब उसकी सूरत आप देख लीजिए, जानकारी हुआ है कि यहां भी काफी करप्शन है। क्या हुआ है थोड़ा सा प्रधान जी इधर आइए, क्या नाम है आपका? गंगाराम। अच्छा, इसके पहले जो पंचवर्षीय, इसके पहले पंचवर्षीय आप प्रधान थे, तो मुझे यहाँ कुछ दिखाई पड़ा है, अभी पता चला है कि कई लोगों ने शिकायत भी करी है और एक एक व्यक्ति को आपके गांव के बताया कि उन्होंने IGRS पर भी शिकायत करी है, मुख्यमंत्री का पोर्टल भी शिकायत करी है, लेकिन उसके बाद भी नतीजा वही ढाक के 3-5 बिल्कुल सिफर, कहीं कुछ मामला हुआ नहीं। और आपका गांव ऐतिहासिक गांव है, उसके बाद ये पूरी तरह करप्शन की गिरफ्त में है क्यों? देखिए, सरकार की मंशा है कि ये पंचायत भवन है, कि ये पंचायत भवन में हर पंचायत भवन पूरे देश में बनना चाहिए। ये पंचायत भवन पुराने प्रधान का बनवाया है 1995, बाउंड्री हमने बनवाया और उसके बाद में गेट हम लगवाए, शौचालय यहाँ बनवाया, यहाँ दरवाजा भी लगा था। अब देख लीजिए, शौचालय बना हुआ, गर्भवती लोग के यहाँ टीका लगता है, गर्भवती लोग किस हाल में आते होंगे वो तो आपको सबको पता होगा, और यहाँ दरवाजा भी नहीं लगा है। ये इंटरलॉकिंग यही 3.5 लाख का है, 2,50,000 का पंचायत भवन का मरम्मत है। ये मरम्मत में आपको दिख रहा दीवार बाउंड्री से हमारा लगाया हुआ है और गेट हमारा लगवाया हुआ है, इसमें 3 लाख का भुगतान हो चुका है। यानी आपने बहुत काम करवा दिया था, खाली इंटरलॉकिंग लगवा, लगाई पुताई करवा दिए हैं और थोड़ा सा छत पे काम करा दिए हैं। अच्छा। और ये टंकी हमारा बनवाया हुआ है, शौचालय का पता कर लीजिए, जनता है सामने। अच्छा, ये आपके गांव में पता चला है आंकड़ों के हिसाब से, जो सरकारी रिकॉर्ड है जो मेंशन है उसमें बताया गया है कि नल का मरम्मत हुआ, हैंडपंप का, हैंडपंप का मरम्मत नहीं हुआ है। कितना आप देखिए, बहुत मरम्मत खराब है। अच्छा था कि हमारा जो गांव एसी लग गया था, हम प्रधान थे, जनता हमारे साथ आज भी है, पहले भी थे, हम चाहते हैं जो काम हो अच्छा काम हो। भाई काम हमको कोई दिक्कत नहीं है, काम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मानक अंतर होना चाहिए। अब हवाई फाई में कागज में खाली हो रहा, भाई बेरोज उस पर करेंगे, जब कागज गेट हम लगवाएं तो कह रहे इस पर हम लगवा दिए। आज देखिए नाली बन रहा है सामने पंचायत भवन का और दोनों तरफ का पेमेंट है, एक तरफ नाली बन गया, पंचायत भवन के बाहर आप देखेंगे इसका भी कागज मिला। तो चूंकि आप प्रधान बेरोज उस पर करेंगे, जब कागज गेट हम लगवाएं तो कह रहे इस पर हम लगवा दिए। आज देखिए नाली बन रहा है सामने पंचायत भवन का और दोनों तरफ का पेमेंट है, एक तरफ नाली बन गया, पंचायत भवन के बाहर आप देखेंगे इसका भी कागज मिला। तो चूंकि आप प्रधानी भी कर चुके हैं, आप एक एक तरह से भी है, हाँ, जनप्रतिनिधि यहाँ पर है और जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि आप एक जागरूक, चूंकि जागरूक पर्सन है, 10 साल प्रधान से लगातार 10 साल थे। अच्छा ना होता, जनता हमको कहते थी हर कार्य में हमने सपोर्ट करता था जनता के लिए, नल खराब था हम इतना सोचते नहीं थे। पानी आज एक बूंद पीने के लिए अगर हम लोग धूप में ठाड़ है तो पानी चाहिए तो कहाँ जाएगा, नल अगर यहाँ गड़ा है तभी तो मांगेंगे, अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो मर जाएगा, अगर शौचालय लग जाएगा, गर्भवती औरत यहाँ आएगी अगर उसको बताएगा ताला नहीं लगा हुआ, यहाँ मर्द भी औरत भी सब आते हैं रोड पे है,
तो देखिए सामने सीट थोड़ा सा दिखाइएगा, मैं चाहूंगा दिखाएं शौचालय बना हुआ है इसमें अभी फाटक नहीं लगा है, पैसा तो पूरा होता है इसमें डोर वगैरह नहीं लगा हुआ है, संचालित नहीं है, इसमें विचार अधूरा है। मैं जहाँ तक जानकारी है शासन की प्राथमिकता में है और शासन जल्दी से जल्दी इसको चाहती है कि इसको एक्टिवेट करे, हालांकि कागज में कई जगह अभी काला पड़ गया, ढक्कन पूछ लीजिए जनता मेरे सामने उनसे पूछ लीजिए, हम चाहते काम ढंग का हो हमारे यहाँ जो भी काम। अच्छा आपके यहाँ पता चला कि कोई नाली जो पूर्व में बनाया गया था वो हम बनवाए थे, तो नाली निर्माण कर नाली तो प्रधानमंत्री योजना से बनाए साहब, नाली हम बनवाए थे उसको मरम्मत दिखा के नया पैसा ले लिए, मरम्मत में जो निर्माण दिखाया गया है तो कागज में गए सेक्रेटरी जाने प्रधान जाने, तो यानी ये जो प्रधान का कहना है और यहाँ जो सामने जो कहना है उसके हिसाब से मैं आपका विशेषकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा गांव जो एक तरह से शासन की निगाहों में है, यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि अक्सर आते रहते हैं क्योंकि अमृत महोत्सव से इसको जोड़ा गया, चौरी चौरा से इसको जोड़ा गया, तेजगढ़ को ऐतिहासिक गांव रहा, तो यहाँ शासन की निगाहें हैं इस गांव पर और तमाम जनप्रतिनिधियों का दौरा बीच में हुआ और संभवतः आने वाले समय में भी हो, उसके बाद भी ये गांव भ्रष्टाचार की गिरफ्त में, हमारे गांव लगा अगर ये गांव भ्रष्टाचार की गिरफ्त में हो गया तो बाकी गांव का क्या ना एक रुक भाई खोले दे। अब आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सिस्टम में बैठे लोग, कैसे प्रशासन में बैठे लोग सरकार की आंखों में धूल खोले देखो और अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, 19 सितंबर की बात है, हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आए हुए थे, उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनपदवासियों के सामने सौंपा, उस रिपोर्ट कार्ड में ये भी मेंशन है, ऐसे काम भी मेंशन है जहां जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जहां जमकर लूट खसोट हो रहा है, ऐसे काम यानी गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड तो बढ़ता ही है लेकिन भ्रष्टाचार का ग्राफ भी बढ़ा है। कोरोना काल में कहीं न कहीं सरकार जो दावे करती है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन पर काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों पर सख्त है, संशय के घेरे में आ जाता है कि सरकार सही कह रही है या सरकार लोगों को सिर्फ बहला रही है, क्यों? क्योंकि इतना प्राथमिकता वाला इतना ऐतिहासिक गांव में अगर सरकार को जबकि तमाम चैनलों तमाम अखबारों तमाम न्यूज चैनलों के माध्यम से मामले उठते रहते हैं, आगे इस पर सरकार का संज्ञान नहीं है और इस पर भी सरकार की आंखों में धूल झोंक दिया जा रहा है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो सरकार के कथनी और करनी में अंतर है, कहने की बात है लेकिन करने में कुछ और है, और या तो फिर सरकार एकदम से आंख मूंदे हुए है और प्रशासन के लोग जो चाहे वो सरकार को दिखा रहे हैं। सरकार की स्थिति हमारे जनपद की है, कार हो रहा था, कोई कर्मचारी देखने नहीं तक आया कि कैसे बन रहा है, कौन लंबाई चौड़ा है, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं योगी सरकार के प्रदेश सरकार के जो दावे, हालांकि उस दावे के बल पर सरकार कहती है कि मैं दोबारा सरकार बनाऊंगी, ठीक है वो तो ऊंट की सरवर बैठेगा, वो भविष्य की बात है, लेकिन कहीं न कहीं जब कोई अपने को अच्छा होने का दावा करता है तो उससे अच्छा बन जाती है और इस तरह करप्शन ब्लंडर करप्शन लोगों की नजरों से बच नहीं पाता, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के दावे में कितना है। फिलहाल आज के लिए इसमें, फिर अगले दिन अगली कड़ी में कहीं और का भ्रष्टाचार हम आपको। जब राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान रखने वाला ऐतिहासिक गांव ही भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है और जहां सरकार की प्राथमिकताओं वाले योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, नाली से लेकर हैंडपंप मरम्मत, सामुदायिक और व्यक्तिगत शौचालय सहित पंचायत भवन इत्यादि में हर तरफ लूट खसोट ही दिखाई पड़ रही हो, तो अन्य दूरदराज के गांव की कहानी क्या होगी? क्या सरकार कथनी और करनी में भेद है या फिर जिला प्रशासन और तमाम सिस्टम में बैठे लोग सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर से ये हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट।